सोनोटेक कैसेट्स। सदा रहो कवीन कुल दाहिनी ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वचन मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो देखिए प्यारे सजनों, आज आपके इतिहास आपके बीच में आपके मनोरंजन के लिए आपकी सेवा में आज तक जो आप हरिराम गुजर अलाबड़ा वाले की ऑडियो कैसेट सुनते रहे और समस्त कथाएं ढोला आल्हा रसिया भजन जिकड़ी, लेकिन आज अपना छोटा भैया समझ करके भाई हंसराज जी ने अपनी शरण में बुलाया है। आपके बीच में सोनाटेक कंपनी के माध्यम से हम ये ढोला इतिहास पेश करने जा रहे हैं और पहला इतिहास हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, राजा नल का जन्म। जिस सत्यवादी राजा नल की कथा को आप कैसेटों के माध्यम से सुनते थे, आपको देखने के लिए आपके घर तक पहुंचा रहे हैं भाई हंसराज जी, सोनाटेक कंपनी। धन्यवाद। जिस समय नरवरगढ़ के अंदर राजा प्रथम महाराज वीरसेन के घर में 101 रानी थी, जिनमें सबसे बड़ी रानी थी मंझा। अच्छा, लेकिन दोस्तों बड़े आदमी कहते आए हैं। क्या कहते आए? महान पुरुषों ने अपनी कविता के माध्यम से लिखा है। क्या लिखा बताइयो? राज मिलो सिर ताज मिलो चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, चाहे रत्नन की खान मिलो चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है, और विश्वकर्मा के भवन मिलो चाहे मिल जाए रेशम थान जरी है, पर एक बिना संतान के लोगो सब चीजों पे धूल पड़ी है। देखिए प्रिय सजनों, चाहे संसार का सारा सुख संसार का साम्राज्य इंसान के लिए मिल जाए, लेकिन एक संतान ना हो घर में, एक पुत्र रूपी दीपक ना हो, एक संतान रूपी चिराग घर में ना हो, तो बोलिए फैसला आप कर लीजिए हरिराम का ढोला सुनने वाले लोगों, क्या उस संपत्ति का क्या होगा? कुछ भी ना बन सके। रानी मंझा घबरा गई और अपने प्राणपति महाराज प्रथम यानी वीरसेन राजा से क्या बोली है बेटे? क्या कहने लगी? अरे हाथ जोड़ के मंझा बोली, दालचंद बेटे रानी बोली, हाँ मेरे ले गए कर्म लपेटा और सारी उम्र बीत गई अब तक भय ना बेटी बेटा। सारी उम्र बीत गई मेरे बहना बेटी।
महाराज। क्या बोली? ये जीवन, ये संसार, ये प्रकृति है, परमात्मा साध्य है, संतान नहीं, बेटा बेटी नहीं। अरे कहा हो गो तेरी राजधानी को, क्या होगा तेरी इस राजधानी का? लाल बेटे विचार कर ले, वेद का मंत्र है कृतम स्मरम वेदहा। अरे इंसान, तेरे किए हुए कर्म पर विचार कर ले, तू विकास की बजाय विनाश को तो नहीं जा रहा है। और क्या, क्या बोली हरारी? क्या बोली? देखो क्या होगा तेरे शीश महल का, तेरे जो ये शीश के महल है, शीशा के जो महल है, क्या होगा ये? देखो क्या होगा तेरे इन महलों का, ये माटी में मिल जाएंगे और बोलेंगे काग महल तेरे पे, कोई नाम नहीं दे पाएंगे। किस्मत पड़ी गई है हेती, कोई ना भय बेटा बेटी, पति मोए दुनिया मारे ताने, कैसे नाए धर्म ठिकाने। देखो गुरु गोरख की धूनी लग रही बेटे। क्या बात है? नरवरगढ़ की सीम पे गुरु गोरखनाथ ने धूनी लगा रखी। हाँ, रानी मंझा के लिए पता चल गया कि गुरु गोरखनाथ की धूनी लग रही है नरवरगढ़ की सीम पे। हे गुरु गोरख की धूनी लग रही और धरताली में मेवा, ये पहुंच गई बाबा की धूनी पे करे संत की। हाथ में थाल सजा के रानी मंझा जहाँ गोरखनाथ की धुनी लग रही थी, ऐसे बिकट बेहद जंगल में राजा को साथ लेकर के। क्या भयो? भैया आ गए सुनो कहानी, चल गई है मंझा रानी धुनी पे आए गई है राजा ते बात कही है। अरे बैठ गई बाबा के चरणन में, जब आठ पेट की बोली गोरख बाबा ते मंझालो हाथ जोड़ी। देखिए नंदलाल बेटे, गुरु गोरखनाथ की धुनी पे पहुंच जाती है रानी मंजा पंचो, जो सोनाटेक कंपनी की ये कैसेट हमारी देख रहे हैं, जो ये फिल्म देख रहे हैं, इसमें हम आपके बीच में इस चित्र को दर्शा रहे हैं कि रानी मंजा गुरु गोरखनाथ की सेवा, अपने बेटा अपनी संतान प्राप्ति के लिए कैसे सेवा करती है। और क्या हुआ, कैसे कर रही है बताइयो? धुनी पे आ गई रानी, मंदो मंदो बह रहो पानी, आगे की सुनो कहानी, रोए रोए के बोली रानी बाबा तू है धुनी बारो, दे दे मोए तनक सहारो, मेरी किस्मत पड़ी गई हेटी, मेरे हुए ना बेटा बेटी,
तपो करो सी मन पे धुनी, नई गद्दी रह जाएगी सुनी, मन कैसे धीर धरूंगी, धुनी पे नाए बचूंगी, भोर दऊंगी मैं हरी हरी चुरिया, खाई के मरूंगी जहर की पुरिया। अरे बाबा मैं समझाए रही तो कह तो बेटा दे दे गोरख मावा, अरे नहीं मरी दे खाली जो दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है, दुनिया में बहुत तकदीर बदलती देखी है। और क्या है नंदलाल, दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। दुनिया में बहुत सी लोगों की तकदीर बदलती देखी है, ऐसे नहीं बेटे तो क्या है फिर, दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है, शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती, शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखी है, दोस्तों प्यारे सज्जनों, आज रानी मंजा पहुंच जाती है उस बाबा गोरखनाथ के धुनी पे। अच्छा। और थाल को चरणों में धर के हाथ जोड़ करके बैठ जाती है, कहती है बाबा दया बिन संत कसाई, अरे जिस संत के दिल में दया नहीं वो कसाई के बराबर है, तुम एक काम करो बाबा, क्या मेरी किस्मत पर गई हेटी, मेरे भये ना बेटा बेटी, अरे मैं समझा रही तो, और 12 बरस सेवा करी एक बेटा दे दे। गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या कहने लगे, कौन हो तुम, कहने लगी मैं नरवर नरेश की पटरानी मंझा नाम की रानी हूं, बेटा मांगवे को आई है। हाँ बाबा। बाबा जी तो खुद ही डोले पहाड़ पत्थर न दबकते, अरे बाबा बाबा जी पे बेटा कहां है, बाबा जी कर दे कार्रवाई, वो लोग अनविज्ञ हैं, क्यों इस संसार को इस भारत देश को ऐसे धूर्त लोगों ने भटका दिया है जो भगवा वस्त्र पहन करके संतों को बदनाम कर रहे हैं। अरे संत तो उसे कहते हैं, किसे, सै प्लस अंत, जिन्होंने जीते जी संसार से अंत कर दिया है, यह आध्यात्मिक विषय की बात है लोगों। अच्छा इनमें भी फर्क होता है, बहुत फर्क हो भाई, कैसे कैसे हो भाई, भाई ये अलग अलग श्रेणी होती है, महात्मा की भी, हाँ महात्मा, हाँ ये अलग है, महात्मा महात्मा अलग है, और सन्यासी ये अलग है, अच्छा साधु हाँ हाँ ये अलग है, योगी ये अलग है, सब भी अलग अलग है, और साधो ये अलग है, बाबा जी ये अलग है, तो ये महात्मा कैसे हैं भाई, ये 4 प्रकार के होते हैं महात्मा, कैसे कैसे, जैसे मेहमान 3 तरह के, मेहमान कैसे रहे 3 तरह के, जैसे रंडुआ 3 तरह के, रंडुआ कैसे रहे 3 तरह, अलग अलग क्वालिटी है बेटे सबकी, पहले बाबा जी ने बताओ, बाबा जी भी 3-4 प्रकार के होते, कैसे कैसे रहे, अरे जड़ जम्मू, अच्छा और डुल्लू हाँ, और सीजंती, ये कैसे है भाई, जड़ जम्मू वो बाबा जी हैं जो महात्मा हुए जब तक एक मंदिर पे बैठे गांव में से 2 रोटी आ जाएगी खा लेंगे, नहीं तो भगवान को भजन करेंगे, अच्छा। हरे राम सीताराम सीताराम, वो जड़ जम्मू बाबा जी, ठीक बात हाँ। और डुल्लू वो खीर चूरमा के मन में आई, हरिदास के पहुंच गए, नया मिलो तो रामदास के पहुंच गए, ना मिलो तो नंदलाल नंगाड़ वारे के पहुंच गए, वह ना मिलो तो डालचंद ढोलक वारे के पहुंच गए, वह ना मिलो तो या हरवीर जाट मुंडिया वाले के यहाँ पहुंच गए, ना मिलो हाँ तो भी
ये हंसराज भैया के तो मिल ही जाएगा खीर चूरमा। अच्छा, वो खीर चूरमा के चक्कर में डोले वो डुल्लू बाबा जी होए। और सीजन टी, और सीजन टी, सीजन टी वो बाबा जी होए जो सीजन के चक्कर में डोले। वो कैसे रहे सीजन? अरे तू नहीं जानता बेटे, रामायण नहीं पढ़ा कभी? कौन सी, क्या रामायण? अरे तुलसीकृत रामायण को पढ़ करके देखो। जब राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे तो वन के अंदर अहिल्या नाम की गौतम ऋषि की नारी वो श्राप बस पत्थर की होकर के पड़ी थी। अच्छा, और राम ने अपने चरण लगाए वो नारी बन गई। ठीक। और जो जो सीजन के चक्कर में जो बाबा जी उस वन के अंदर थे उनने सोची सारे हो रामचंद्र जी आए और जब पत्थर के पाम लगा दें वही बहू बन जाए, तो 20-20 पत्थर भेड़े कर लिए वन में। अच्छा, जब राम आएंगे 20 पत्थर के पाम लगवा लेंगे, 20 बहू बन जाएंगे। अरे लेकिन ये पता है क्या बात है? हमारे राजस्थान में बैयरवानी, बैयरवानी सजनों भाषा, बैयरवानी कहें और से बड़ी प्यारी भाषा है, ब्रज की भाषा है। अम्बे। और मैंने राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी से पुरस्कार पाया है, इसलिए मैं ब्रज भाषा की बात भी करता हूँ। अच्छा, ब्रज भाषा में हमारे गुजरों में जाटों में हमारे ब्रज क्षेत्र में औरत को कहते हैं बैयरवानी। अच्छा, बैयरवानी बतरा रही है लल्लू बाबा जी इनकी। कैसे कैसे बतरा रही है? कैसे बतरा रही है बताइए। अरिया बाबा जी के चक्कर में, या बाबा जी के चक्कर में मैं तो है गई दामा डोल। दिन घर आए गयो बाबा जी, दिन घर आए गयो बाबा जी, दिन घर आए गयो बाबा जी, एक दिन घर आए गयो बाबा जी, और मेरी पौरी में है गयो शादी, मेरी पौरी में है गयो शादी, बाबा जी कैसो लाला? कैसो बताइयो बाबा जी, गोल मटोल, बाबा जी गोल मटोल, बाबा जी के चक्कर में है गई दामा डोल, बाबा जी के चक्कर में है गई दामा डोल, दामा डोल, बाबा जी के चक्कर में। और क्या काम करे बाबा जी? क्या करे भाई? याने नेक पंजीरी गाय दई, याने नेक पंजीरी गाय दई, याने नेक पंजीरी गाय दई। ये बाबा जी जो चक्कर चलाते हैं ना, ये पंजीरी राखे संग चनोरी रखे मखाने। अच्छा, तो कह रही है याने नेक पंजीरी गाय दई और अपने पास बुलाए लई, अपने पास बुलाए लई, अपने पास। बोली क्या बोली? मेरो डिब्बा कह दियो बोल, बोले वाने नाय सोची दिल अंदर में है, वाने नाय सोची दिल अंदर में। अच्छा, मुए ले गयो भीतर मंदर में। वाने एक बात और बताता हूँ। कौन सी? आपने हमारे बड़े ढोलाओं को रसिया सुने हैं, वैसे भी कैसी रसियाओं की सुनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना श्रोताओं, आज हम पहली बार सोनाटेक कंपनी के सोजल से आपके सेवा में हमारी ये ढोला फिल्म भेज रहे हैं। हम जो रसिया गाएंगे वो प्रमाण से होगा, शास्त्र से होगा। ठीक बात। अब जो ये रसिया चल रहा है ये भी प्रमाण से है। शास्त्र में? शास्त्र से है। कहाँ है बताइए, कौन सा शास्त्र है ये? बताऊंगा। वाने ना सोची दिल अंदर में, कौन ले गो मंदिर में? बताइयो कौन ले गो भाई? अर्जुन ले गया समुद्रा को, कृष्ण ने इशारा दिया। अच्छा, रे भगा के पहले जन्म की बात। बिना शास्त्र तो तुम चलो ही ना। वेद पढ़ता हूँ बेटे। ठीक बात है भाई। वाने
ना सोची दिल अंदर में, वो ले गयो भीतर मंदर में, तेरी गुड़बाय दई नब झोल। रामचंद्र ने नवदा भक्ति में भीलनी को बताया कि संतन की सेवा करो, मेरी पहली भक्ति है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, अच्छा। और दूजे रत्मम कथा प्रसंगा। लेकिन संत उसे कहते हैं से प्लस अंत, जिन्होंने संसार से अंत कर लिया है उनको संत कहते हैं। और लोग कहते हैं कि दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। आज जिसकी हार है कल उसी की जीत है। अरे दिल कसम है तुझे हिम्मत ना हारना, और दिन जिंदगी के गुजरे तू वैसे गुजारना। रानी मंजा हाथ जोड़ करके बाबा से बोली, क्या बाबा गोरखनाथ क्या बोलिए? लाज मेरी हरे, ये लाज हमारी रख देना भाई। हो रे ये लाज हमारी रख देना, मैं तेरी शरण में आई। दुख हर ले गोरख बाबा कहे अजय पाल की जाई, अजय पाल की जाई। नरवरगढ़ के अंदर बाबा, देख नरवरगढ़ के अंदर बाबा, हरे तू ही तो भगवान दिखे महलों के अंदर बिन बेटा, मोहे तो संसार दिखे। रानी मंझा कहने लगी ना मेरे संता, रानी मंझा कहने लगी मेरे ना संता। न
नैनों से बरस रहा पानी, बेटा दे दे बाबा रे नहीं हो जाएगी खत्म, बेटा दे दे बाबा नहीं हो जाएगी खत्म कहानी, बेटा दे दे बाबा नहीं हो जाएगी खत्म कहानी। हरे सोनाटे को कंपनी में हरी राम यो बोला गाते, बैठ गई रानी चरणन शीश को अपने झुका के, बाबा दिया आशीर्वाद अपना दया हार, बाबा जी का आशीर्वाद अपना फरार हम, बाबा जी का आशीर्वाद अपना फरार हम। ओ क्या बात हेरे हंजहरानी को दे दे वरदान, नहीं तेरी तो धूनी पे बाबा आज मैं तनुगी, हाथ जोड़ करके रानी मंझा बोलिए बाबा क्या कहे, हे गोरखनाथ दयाविन संत कसाई, अरे जिस संत के दिल में दया नहीं होती वो कसाई के बराबर है, इसलिए मैं तेरी शरण में आई हूं, मेरी लाज रख दे बाबा और एक बेटा को वरदान दे दे। सजनों गोरखनाथ कहने लगे रानी मंझा क्या बोले, बाबा जी पे बेटा मांग रही है क्यों, अरे ये तो खुद ही पहाड़ पत्थर में दुबकते डोले। अच्छा मंझा बोली मैं कैसे धीर धरूंगी, और कह तो बेटा को वरदान दे देने धूनी पे खाए के जहर मरूंगी, अरे खाए के मरूंगी जहर की पुड़िया और फोड़ दूंगी हरी हरी चुड़िया। गोरखनाथ बोले बेटी मरो मत, साधु को दोष लग जाएगा, साधु को दोजख मिल जाएगा, ठीक साधु नरक में चला जाएगा, राजा रानी धूनी पे प्राण गवा दे। बैठ जा राजा, कितनी रानी है तेरे महल में, 101 अपनी झोली में से चावल निकाले गोरखनाथ बाबा ने, धूनी की भभूत लगाई, अच्छा भभूत चावलों में मिलाई, और राजा प्रथम राजा और मंझा रानी के लिए दे दी। ले जा राजा तेरे 101 रानी है और ये 101 चावल है, तेरी 12 वर्ष की सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, जा मैं तेरे लिए 1, 2, 4, 10 बेटा नहीं 101 बेटा देता हूं, एक एक चावल सब रानी को बांट दीजो, एक एक पुत्र पैदा होगा। नंदलाल क्या भयो, आज राजा चावलों को लेकर के पहुंच जाता है महल के अंदर, अच्छा और राजा को आते हुए देखा हाँ सारी रानी एक जगह इकट्ठी हो गई, ठीक बात। राजा बोला, रानी बोली महाराज आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, हाँ राजा बोला बरात की तरह बैठो पंगत लगाए के बेटा बांटूंगा। सारी रानियों को लाइन से बिठा लिया, महाराज बोले हाथ पे हाथ धरो, हाथ पे हाथ धर लिए, अच्छा एक एक चावल गोरखनाथ का दिया हुआ राजा प्रथम ने सब रानियों को बांट दिया। महाराज कहने लगे खाओ करो चावल को कृष्णाय अर्पण, खा जाओ भगवान कृष्ण को नाम लेकर के, ठीक बात एक बेटा बलवान पैदा होगा। और तुम्हारी बात है सजनों कैसे, रानी बोली महाराज तुम हमारे पति महाराज हो, तुम्हारे आगे हमारा मोहना है फटे तो फिर क्या करें, तुम बाहर चले जाओ जब खाएंगे। अच्छा राजा महल से बाहर चला गया, सारी रानी एक जगह इकट्ठी हो गई, आपस में विचार किया कहो बहना हाँ चावल के खाए तो बेटा पैदा है जाएगा, अंगार है जाए दारी। सब रानियों ने विचार किया कि चावल है मत खाओ दारी, क्यों पेट में है जाएगी बीमारी फेंक दो। अच्छा याद रखना सोना टेक कैसेट देखने वाले फिल्म देखने वाले लोगों मेरे हाथ के ऊपर ध्यान देना, ऐसे हथेली पर चावल रखा था आहा। ऐसे मुट्ठी बंद की, बंद करके ऐसे चावल फेंका, फिर क्या भयो चक्कर पड़ गया कैसे पड़े, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है रामायण के अंदर, क्या लिखा उसमें हो बिगाड़ सकता है,
और जिसकी बात को भगवान बिगाड़े उसको सुधारने वाला दुनिया में भी नहीं, मिस्त्री मेरे ताई नहीं मिले। ठीक बात, भगवान ने बात बनाई दी। कैसे? सौरानी ने हाथ पे सांबर मुट्ठी बंद करके लेकिन क्या भयो और के हाथ तो नीचे कूं गए। और क्या? भगवान को करनो ऐसो भयो। कैसो भयो? और के हाथ नीचे कूं गए, मंझा को हाथ ऊपर कूं है गयो। और इनके हाथ न्यू गए। अच्छा, मंझा वो तो स्वयं गुरु गोरखनाथ भगवान बन के आए। ठीक, भगवान की दी हुई चीज को कोई फेल कर सकता है? ना कर सके भाई, ना करे। नीचे से मंझा के हाथ में ठोकर दई। अच्छा, भगवान ने न्यू ठोकर दई। आहा, और चावल हाथ से उछट के मुंह में होके गयो। जैसे कैसे गयो? राइफल की गोली जाए। ट्रेन पहुंच गो फैक्ट्री पे, पेट में गया वो चावल। कैसे गए हो? क्या हुआ बताइए नंदलाल। अरे भैया जाके चावल पेट गयो। और क्या? मंझा के पेट में चावल जा पहुंचा बेटे। क्या भयो फिर है? अरे जाके चावल पेट गयो है, वही चावल ते गर्भ रहो के पेट में पहुंच गया। अरे चावल दे गयो मुरली मारो। कौन? आहा, क्या भयो? ओ चावल दे गयो धुनी मारो। धुनी मारो कौन लाला? कौन? गुरु गोरखनाथ। अच्छा, अरे चावल दे गयो मुरली मारो। पेट में है गयो भक्त जाने धारण तो कर लियो। और चावर को बनो ये पसीना, रानी तू है गए तीन महीना। ए रानी है गए तीन महीना, रानी तू है गए तीन महीना। तीन महीना का गर्भ हो गया रानी मंझा के। श्रोताओ फिर क्या भयो? आपका ये छोटा सा पुजारी हरिराम गुजर अलावड़ा अलवर राजस्थान, 3 महीना रानी को हो गए। फिर क्या भयो? हमारा स्वर्गीय रामकरण पपैया स्वास राजगढ़ वाले, देखिए अब रानी पे रंग चढ़ोए आगे गर्व बढ़ोए। जब रानी मंझा का गर्व आगे बढ़ा, सो रानी ने चावल फेंक दिया था, मंझा चावल को खा गई, अब रानी मंझा गर्व होती हो गई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कपन्नगार यह रीत अनूपा और नारन मोह नार देख रूपा। नारी को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती। जब रानी मंझा गर्भवती देखी, वो 100 रानी आपस में विचार कर रही हैं। क्या बोली है? क्या बोली? 100 रानी महलन में बोली, 100 रानी इकट्ठी हो गई लालू। 100 रानी महलन में बोली, याने हम पे फिकवाए दियो, पैरन है गई मंझा चावल अपने खुद खाए दियो। आ,
विचार कर रही है। क्या कर रही है? हम पे चामर फेंकवा दियो। आहा। मंझा ने खुद ने खा लियो। और एक काम करो। कौन सा? मिस्कोट बनाया। सलाह की बेटे सलाह करी है रानी। क्या सलाह कर रही है? और रानी सलाह कर रही है। कैसे? ऐसे बताइयो। या के महल में बेटा, अरे या के तो देख बेटा होएगा, कोई ऐसा जाल रचाओ महलन में देदारी बन जाए मन करके। अपने में कोई ऐसा जाल बिछाओ और काउढ़व दे मेरी बहनाओ दारी मन जाए मरवाओ। मन जाए मरवाओ मेरी बहना मन जाए मरवाओ। ऐसे कह रही है सोसो रानी, हाँ कैसे रह जाएगी पटरानी? कैसे पटरानी रहे या मरवा दो? कैसे मरे फिर? एक रानी बोली मरवाओगी कैसे? खूब मरवा ले, मरवा दे। कहा है कैसे मरवा दे? चाय जो विधि बना ले। एक रानी बोली ऐसे मरवाओ कैसे? अरे नार नार महल में मन जा ऐसो जाल रचाओ, बांदी भेज के बहना जीवा पंडित को बुलवाओ। पंडित को बुलवाओ मेरी बहना, पंडित को बुलवाओ, ए पंडित को बुलवाओ मेरे ढुलकिया पंडित को बुलवाओ। एक काम करो। कौन सा? के पंडित जी बुला लियो, गंगाधर पंडित की बात राजा माने और पंडित को धन दे दो, टिटकार के धन के लोभ में पंडित जी राजा बहका देंगे और मंझरानी मरवा दे। ठीक, चलो बांदी। कहा? गंगाधर पंडित को बुला के लाओ। बांदी गई। अच्छा कैसे गई? वो भी सोच रही है। हाँ, बांदी भाज रही है और आधी सी रात गई है। पंडित जी पे आए गई है। ने कने करो झमेला, लगा कान के हाथ दियो बामन को हेला। आवाज दई बांदी ने। क्या आवाज दई? ऐसे आवाज दई बताइयो। रानी बुलवावे से पंडित जी महाराज तुम्हें रानी बुलवावे से, ना जाने के काम महल में तुरंत पठावे से। पंडित जी आपको सौ रानी बुला रही है। अच्छा, और क्या बोली है? क्या बोली? हरे पंडित मत करिए देरी, हो रानी याद करे से तेरी। रानी याद करे से यो में
चढ़ाओ। चलो पंडित जी भोले बांदी क्या बात है? बोला बात तो यह है। कौन सी? के सौरानी तुम्हें महल में बुला रही है। पंडित सुन के बात आड़े ठाड़े तिलक लगाए, जीवड़ा सुकान के लपेटो, पोती पत्थरा बगल में लिए, गा 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 गा। गयो? अच्छा महल में पहुंच गया। और जब महल में पंडित जी पहुंचे, गंगाधर सौरानी चारों तरफ को बैठ गई है नंदलाल। और देख भैया अब रानी को बंधारे धीर आ। और सुन मेरे छोटे भाई तोते बटला कहूं का हरवीर। बटला और हरवीर दो नाम पर गए। और क्या बोले हैं पंडित जी? क्या बोले? अरे के कारण से सौ सौ रानी महल में मने बुलाया। कारण से सौ सौ रानी क्यों महल ने बुलवाया जी? पर तेरी बांदी ने रानी हमको कोई ना काम बताया जी। तेरी रानी ने, तेरी बांदी ने रानी हमको कोई ना काम बताया रे। ये कारण से रानी बतला क्यों महल ने बुलवाया। क्या बात है? आहा। क्यों बुलाया हूं? क्या काम है? पंडित जीयों कहने लागे काम पड़ा क्या तेरा से। पंडित जीयों कहने लागे काम पड़ा क्या तेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना हो गया मेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना हो गया मेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना हो गया मेरा से। पंडित जी की सुन के बात सौ सौ यो बोली रानी। भाई पंडित जी की सुन के बात बोलियो सौ सौ रानी। और काम भी बताए पंडित पीले वो खाना पानी। काम भी बताए पंडित पीले वो खाना, पीले वो खाना पानी। और क्या बोले है? क्या बोले? अरे चौतरफा से, अरे चौतरफा से, चौथा पास है पंडित जी को सौरानी ने घेरा से। कैसे मैं बुलवाया रानी काम पड़ा के तेरा से। कैसे मैं बुलवाया रानी काम पड़ा के तेरा से। हाथ जोड़ के पंडित बोला लगे काल के घेरा से। कहते आए हैं बेटे। कैसे नंदलाल? क्या बोले हैं पंडित जी? बताइयो। बहुत दिनन में बुलवाया बड़ी दया कर गई मो पे। कौन सा काम ये टकरा रानी साची कह दे मत रोके। अपनी बात को रोके मत साची कहो। या इशारा है एक रानी ने गडवा भर लाई पानी। और खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सौरानी। खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सौरानी। खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सौरानी। पंडित जी कहने लगे क्या काम है रानी? रानी बोली नाश्ता करो, आए हो बैठो विश्राम करो, काम भी बताएंगे। पांच थैली सोने की मोहरन की अच्छा भर के पंडित जी के पास में आराम पटक दी। पंडित जी बोले रानी क्या है इन थैलियों में? रानी बोली ये सोने की मोहर है, पांच थैली ये छोटी सी भेंट है पंडित जी। अच्छा स्वीकार करो। ठीक बात। और रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। रानी बोली पंडित जी
जी भेंट मेरी स्वीकार करो। रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। अरे रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। और क्या छोटा काम बता देंगी दादा मत इनकार करो। छोटा काम बता देंगी दादा मत इनकार करो। छोटा काम बता देंगी पर दादा मत इनकार करो। और क्या बोली है क्या बोली। हाथ जोड़ी के हाथ जोड़ी के रानी बोली दादा परण निभाइए तू। हरी राम गुजरियो कहता राम करण समझिए तू। रानियों क्या बात है क्या बोल कैसे बुलाया। पांच थैली सोने की मोहर लेकर के नंदलाल धड़ाम पटक दे पंडित जी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। पंडित जी हरे है गए क्यों भी आदमी हरे है जाएगा नहीं उसकी आत्मा हरे। अच्छा आत्मा खुश है गई मतलब खुश हो गई पंडित जी की ठीक बात। बस काम बताओ रानियों काम बताओ। रानी बोली सुनो क्या बोली। काम तो एक बिल्कुल छोटा सा है मामूली सा है। क्या काम है कर रानी मंझा ने खुद ने चावल खा लिया हम पे चावल फेंकवा दिए। रानी मंझा का बेटा पैदा होगा हमारा मन धीर नहीं धरेगा हम प्राण गमा देंगे। आहा इसलिए किसी तरह से के पंडित धन कितनो ले जाइयो और या रानी मंझाए मर दियो या मंझाए मरवा दे पैसा धेली धन दौलत मोहर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नीलम पट्टी कितनी ले जाए। अरे बहुत बुरे पुत्र रही भाई ये तो। पंडित जी बोले सुनो रानियों क्या बोला कि तुम मेरे बाएं हाथ को केल है क्या सकारे सूरज निकलने से पहले पहले रानी मंजा की फांस काट दूं। अच्छा पर एक बात याद रखो रानियों। कौन सी निकरी होटल और है जाए पोटल। अगर मोहम्मद से बात निकाल दे तो पोट है जाएगी बिल्कुल। जाओ मैं जा रहा हूँ और पास थली ने बगल में दबा के पंडित जी अरबी गए घर पहुंच गए। अच्छा और पांचों थैली ले जाकर पंडित जी ने आंगन में ऊपर दे पटकी थैली फटगी। अरे थैली भी झेले झटका जोर की चोट कोई मार दे कुछ चीज में तो फटेगी बिल्कुल फटेगी कमजोर होगी तो फटेगी भाई। थैली फट गई पंडितानी हट गई फिर क्या भयो एक बगल को सिमट गई। अच्छा दरी पलट गई बात खटक गई क्या खटकी और क्या सोच रही है कलेजा पटक गई। पटतानी आई खनन न न न न की आवाज को सुन करके सोने की मोहर फैली पड़ी आंगन में। हाथ जोड़ के पटतानी बोली क्या बोली है पंडित जी ऐसा कौन जजमान लहनो है गो जाने इतनी मोहर दे दी। आहा पंडित जी बोले बोल चाल क्यों क्या बात है। पंडित जी बोले सुन रानी हाँ आज तक तू हाँ चना की रोटी खाओ करे। अच्छा बेझर की रोटी खाओ करे फिर गुड़ चनी की रोटी खाओ करे। हाँ आज से रोटी खाना तो भूखे मरोगे महाराज। नहीं तो सोने की मोहर बहुत है तो फिर क्या कर? सुबह चार बजे ठाड़ी है के अच्छा करो कर मूंग का हलवा फिर आठ बजे दे हलवा फिर बारह बजे दे हलवा फिर एक बजे दे हलवा ढाई बजे दे हलवा फिर छह बजे दे हलवा सुबह लगे जब दे हलवा रात में जग के दे हलवा हलवाई ओढ़ो हलवाई बिछाओ। बेवकूफ कहीं ये चीज कोई नहीं बात है तो फिर हलवाई हलवा तो जाएगा पाओ तो हलवा ही रहेगा फिर। पंडितानी बोली एक बात तो बता दो कौन सी के ये सोने की मोहर सौ रानी ने दई क्यों है। अच्छा जब पंडित जी बोले देख इतनो धन दियो सो रानी ने बैठो बैठो खाऊंगो और या धन के लालच में पंडतानी रानी मंझाए मरवाऊंगो। बादर फट गए। ओहो अच्छे आदमी बहुत है संसार जो ऐसे आदमी है स्वस्ति पंथा मंचरम जो दूसरे का परोपकार सोचते हैं दूसरे की भलाई सोचते हैं और दूसरे का अच्छा सोचते हैं ऐसे लोग भी बहुत हैं। मिश्रानी जब यह सुनी एक थोड़े से पैसे थोड़ी सी लक्ष्मी थोड़े से धन के लालच में आकर के मेरे पति ब्राह्मण देवता इतना बुरा करने के लिए जा रहे हैं एक देवी की भगत प्रबल भगत एक पतिव्रता रानी एक चरित्रवान रानी को मरवाने के लिए
इस धन को पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए और मेरे पंचो सोना टेक कंपनी की सीढ़ी देखने वाले लोगों, अपने छोटे भाई हरिराम की बात पर गौर करना। मैं मेरी फिल्म देखने वालों का अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में नक्काड़ा पर संगति कर रहे हैं अलवर नरेश भाई नंदलाल राणा, अन्नाल पर साथ दे रहे हैं छोटे से बच्चा है मेरे डालचंद डीग वाले, मेरा कोस में भाई रामकरण जी स्वास राजगढ़ वाले, और घुंगरू बजा रहे हैं खड़ताल खंजरी बजा रहे हैं भाई साहब सिंह जी बल्लभगढ़ वाले, और देखिए प्यारी प्यारी घड़ा पर अपनी तान दिखा रहे हैं कौन भाई हरवीर सिंह जाट और भाई भटला मुंडिया वाले मुंडिया भरीतर तहसील कठुमर अलवर राजस्थान। देखिए उस ब्राह्मणी ने आंखों में पानी भर करके क्या कहा, क्या कहने लगी महाराज, हेरे हाथ जोड़े पंडतानी बोली भरी आंखों में पानी, हे और तेरे कहा हाथ पड़ेगा जब मर जाए मंझा रानी, मर जा मंझा ने एक बात लिखी है, क्या लिखा और उसमें लिखा है राजा वो मर जाए, राजा वो मर जाए जुलम जो खुद पर जावे तोले, जुगल खोर के ही मान मरे जो अमृत में पिस घोले, जुगल खोर के ही मान मरे जो अमृत में पिस घोले रे, मान मरे जो अमृत में बिस घोले। कहते आए हैं बड़े आदमी, क्या ऐसा राजा मर जाना चाहिए, कैसा जिसको अपनी प्रजा को दुख दे, ऐसा आदमी मर जाना चाहिए जो इधर उधर की चुगली करे। कभी लोगों ने कलम से लिखा है, क्या लिखा, राजा वो मर, राजा वो मर जाए गुलाम जो खुद पर जावे तोले, जो संतान को पढ़ा लिखा नहीं, और क्या ऐसी मां मर जानी चाहिए जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण न करे, और ऐसा बेटा भी मर जाना चाहिए, कैसा बेटा वो मर बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, बेटी वो मर जाए लाज दो दोनों जो बाप के नाम को मिट्टी में मिला दे, ऐसी बेटी मर जानी चाहिए जो ससुराल और पीहर की लाज को खत्म कर दे,
ऐसा भाई भी मर जाना चाहिए भटला भैया। भाई कैसा? ऐसा बताइयो भाई वही मर, भाई वही मर जाए जो भैया गैरों से पिटवावे। सोना टेक में हरी राम से आगे सुनो कहानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली भरने नो में पानी, भरने नो में पानी रे हाँ, भरने नो में पानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली भरने नो में पानी, भरने नो मेरा पानी भैया, भरने नो में पानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली। तुम जुलम कर रहे हो ब्राह्मण, तो मेरे पति देव धरती फाड़ रहे हो। अरे गरीब की सहायता करनी चाहिए। हाँ हाँ। किसी की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। किसी के इमदाद करने वाले को खुदा या भगवान कहते हैं, और तुम किसी के दिल पर खंजर चला रहे हो, इसे तो शैतान कहते हैं। बैयरन धमकावे में लगे का है? क्यों लेवा मोदरा दे हमारे भटला जो आ जा मन में जो भैया, और क्या नहीं बिचारी देख ले, सब काम सब घर के सब काम करे, रहे कोई कोई दिन तो जो को फिर जाए सेवा करे खूब, पर देख लियो है? क्या बोली है पंडितानी? क्या बोली? सुनो ऐसे बोली बेटी बताइयो, इन्हें मोहरन पे क्या बात है, या सोने पे बराए दे आग मिसुर जी धोखा दाई मधिकार, इन्हें मोहरन पे लगाए दे मिसुर जी धोखा दाई मधिकार, ए धोखा दाई मंत्र पाखन धोखा दाई मधिकार, कहते आए हैं क्या कि एक दिन ऐसा कैसा जो खजाने में हाथ रहे। आहा, और लाल मेरी बात सुन, एक दिन ऐसा कैसा जो खजाने में हाथ रहे, और एक दिन ऐसा जेब में ना एक पैसा है। ठीक बात, एक दिन ऐसा आहा जो खजाने में हाथ रहे। अच्छा। और एक दिन ऐसा जेब में ना पैसा है, एक दिन ऐसा फिल्म और गेंदवा मिले, एक दिन देखो टूटा सा मैचा है, एक दिन भोजन 36 प्रकार के मिले। अच्छा। और एक दिन पूछो कहो जी साग कैसा है, अरे नरज्ञानी मत माया पे गुमान करे, आज दिन ऐसा तो जाने कल दिन कैसा है। कोई ओ पंडित जी। हाँ हाँ। ओ बामण के इस सोने की मोहरन के लालच में ऐसी देवी की भगत एक पतिव्रता रानी को मरवाना चाहता है, ये आपकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अरे तुम्हारी बुद्धि बदल गई है। कैसे? लेकिन पंड बाम ने ओद राय दे। अच्छा। हाथ में लेके सोटा पंडित जी अड़ राय गए। ठीक है, क्या कही पंडित ने? पंडित ने न्यू गई तो मान जा रही तेरी तो बात ठीक है, सकाले सुबह हो गया सवेरा हो गया। अच्छा। राजा का दरबार लगा और लोग कहते आए हैं कि कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभी के रहती है धन की फांसी, लोभी पुरुष को धन की फांसी रहती है सदा, और कपटी आदमी सदा कपट की बात करता है। बिल्कुल। कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभी के रहती है धन की फांसी, और काने की नींद सदा त्रिया में सबसे बुरी प्रीत की गासी, ज्वारी चोर लवार रणी नर कभो बात नहीं बोले साथी, बुरे कर्म को कौन बतावे अपनो मरन जगत की।
हाँसी। पंडित जी ने सुबह तिलक लगाए, पत्रा लियो बगल में, हाथ में सटका उठायो, कान के जनेऊ लपेटा और गए। कहाँ? राजा के दरबार में गए। अच्छा, ऐसा महाराज प्रथम का दरबार लग रहा है। ठीक बात। ये सारी जनता दरबार में बैठी हुई है, लेकिन लोगों, जो कोई आदमी बनावटी बात करता है, हाँ, उसका चेहरा मोहरा अलग बता देता है। और किसी झूठ को छुपाने के लिए, हाँ, झूठ को साबित करने के लिए बहुत झूठों का सहारा लेना पड़ता है। राजा के दरबार में ब्राह्मण पहुंच जाते हैं गंगाधर। अच्छा। सात हाथ के राज सिंहासन पर महाराज प्रथम वीरसेन विराजित थे। ब्राह्मण को आते हुए देखा, सिंहासन छोड़कर के महाराज प्रथम ने प्रणाम किया है। हाँ। लेकिन क्या भयो? ब्राह्मण का चेहरा उतरा हुआ है। हाँ। आंखों में पानी झलक रहा है और जो रानियों से 5 थैली सोने की मोहर ली, उस धन को बचाने के लिए उस घृणिष्ठ कर्म को करने को उत्सुक है वो ब्राह्मण। राजा क्या बोला है बेटे? क्या बोला? ये हाथ जोड़ के राजा बोलो, हाथ जोड़ के राजा बोलो, कह रहे हो मीठी वाणी और आज मिसुर जी, अरे पंडित जी कैसे रही है सर रुहानी। रे राजा कहने लगो, ब्राह्मण देव आपके चेहरे की रूहानी कैसे उतर रही है? क्या बोला है राजा? अरा कैसे रही रूहानी उतरी, कैसे रही रूहानी, अरा कैसे रही रूहानी उतरती, कैसे रही रूहानी, हाथ जोड़ के राजा बोलो कैसे रही उतर रूहानी। क्या मुसीबत पड़ गई आज पंडित जी? क्या कहने लगा? आपके चेहरे, आपकी आंखों में पानी। और मत ना फिक्र करो पंडित जी, कहने सभी कहानी राजा है गई खत्म कहानी,
जाने को राजा तेरी है गई खत्म कहानी। क्यों क्या हुआ? क्या बोला पंडित जी? मेरी कहानी खत्म कैसे हो गई? पंडित जी बोले ऐसे हो गई। हाँ अरे जान लही है हमने राजा। क्या तेरी गर्भवती है रानी? तेरी रानी मंजा गर्भवती है? अच्छा हाँ। तो सुन अरे जान लही है हमने राजा तेरी गर्भवती है रानी और ऐसो बेटा पैदा है वो तेरी मिट जाए ना। पैदा होगा तेरे और क्या ऐसो बेटा पैदा होगा तेरी रानी मंझा के। अरे पंडित जी तेरा दिमाग खराब है? क्यों? अरे चौथी उम्र चौथा वृद्धापन आ गया। हाँ उम्र का चौथा हिस्सा होगा आ गया और बेटा नहीं है। बेटा के वियोग में तो हम तड़प रहे, बेटा होना चाहिए। अरे पंडित जी बोलो बेटा तो होएगा पर ऐसो बेटा होगा। कैसा? तेरे बुढ़ापे में आके बेटा होगा तो खुशी मनावेगो, फिर बाजे बजाएगा। अच्छा ढोल नगाड़े बजाएगा। ठीक खान खजाने खोल देगा। आहा। और पुत्र के चाप में तो हीरा मोती लुटाएगा, याचकों को अयाचक बना देगा। आहा। धान लुटाएगा, द्रव लुटाएगा और उस बेटे को देखने के लिए तेरे दिल में उत्कंठा उठेगी और तू रानी मंझा के महल में जाएगा। लेकिन ये मेरे पत्रा में लिखो हुआ है। क्या लिखो? तेने उस छोरा गोदी में लियो और तू मरे। अरे तेरी। अब भाई एक बात बताओ। हाँ संसार में सबसे सस्ती चीज क्या है? नंदलाल जी आप बताओ। नहीं बता सकते। दालचंद आप बताओ। नहीं बता सकते। साहब सिंह तुम बताओ, बतला बताओ। हरवीर भैया हाँ संसार में सबसे सस्ती चीज है जैसलमाई। अच्छा बिना पैसे की ले लो और कितनी ले लो गाड़ी भर के ले लो। ठीक बात। और एक बात और बताते हैं। कौन सी? और संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज हाँ मनुष्य की जान। आदमी के पास में 50 किलो सोना हो और डाकू ने घेर लिया तो आदमी जाए कहेगा भैया 50 किलो सोना ले जा और जान छोड़ दे बस है। बिल्कुल। अगर इंसान के साथ में अपना बेटा भी है तो भी चाहे बेटा मारा जाए लेकिन खुद बचने की कोशिश करेगा। तो मेरे सजनों जब पंडित जी ने ये कहा कि तेरा ऐसा बेटा पैदा होगा जिसके मुंह देखने से तेरा काल है तो एकदम से पसीना आ गया राजा को। पंडित जी ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसके मुंह देखने से मेरा काल आ जाएगा कि जी हाँ ये मेरा पत्रा मेरा वेद मेरा वेदांत सिद्धांत ये झूठा नहीं हो सकता। अच्छा बचा ले दादा मेरी जान बचा ले। उन्हें जान कैसे बचा भाई? राजा कह रहा पंडित जी अब यह बात को उपाय तुम ही बताओ मेरी जान कैसे बच सके। सजनों पंडित जी की बात को राजा की बात को सुनकर के पंडित जी उपाय बता रहे। क्या उपाय बता रहे? देखो जो झूठ बोल करके किसी को मरवाने का उपाय कर सकता है वो किसी को बचाने का उपाय भी बता सकते। बिल्कुल है? दोनों ही काम उन्हें समझे। तो पंडित जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सुनो भाई राजा अरे कर दे रानी ते तंगी हम के लिए उपाय बता रहे राजा। क्या? कर दे धन मन भाते तंगी चार जल्लाद बुला ले। चार जल्लाद बुला ले जल्लाद ने राजा समझाए दे मंझाए उनके संगत मिलाए दे चिंता मत करे तेरे मन में मंजाए भेज दे संती वन में
चार जल्लादों के हाथ रानी मंझा को वन में भेज दो। और क्या, जल्लाद बन खंड में ले जाएंगे, मंझा की गर्दन पे तेग चलाएंगे। चार जल्लाद वन में ले जाकर के रानी मंझा की गर्दन पे तेग चलाएंगे, मंझा की गर्दन को काट जामे, और मंझा की जो साड़ी है उसको, मंझा के गर्दन को काट करके उसके खूनों में साड़ी को रंग लाए और उसके नेत्र निकाल लाए, तब राजा तेरी जान बचेगी, नहीं तो गहरी नाव फंसेगी। इतनी बात सुनी राजा ने, दियो भेज सिपाही, ओ इतनी बात सुनी राजा ने, अरे दियो भेज सिपाही, जल्लाद बुलाए लिए दरबारन में, सुनियो लोग लुवाई। जाओ, एक सिपाही बुलाया, अब के तो नई लुगाई मिलेंगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेंगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेंगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेंगी भैया लोन पे। रणवान को नई बहू मिलेंगी, कैसे सोना टेक कैसेट ढोला की फिल्म देखने वाले बहन भाइयों, आप इस कैसेट के माध्यम से ये समझ लेना, चाहे वो दिल्ली का रणवा हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, अच्छा चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, कहीं का भी रणवा हो, सब रणवा खींचकर राजस्थान में आ जाओ, फिर फ्री में बहू मिल रही है। अच्छा, और जैसी चाहोगे वैसी, कैसी चाहिए कैसी कैसी, अब के तो नई लुगाई मिलेगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई भैया लोन पे। ये नई योजना आई हम सुन के आए फोन पे, ये नई योजना आई हम सुन के आए फोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेगी भैया लोन पे। चाहे हरियाणा की ले लो, चाहे ले लो राजस्थान की, चाहे हरियाणा की ले लो, ले लो राजस्थान की, चाहे हरियाणा की ले लो, चाहे ले लो राजस्थान की। अगर विदेशी चाहिए तो मंगवा दे पाकिस्तान की, अगर विदेशी चाहिए तो मंगवा दे पाकिस्तान की, अगर विदेशी चाहिए तो मंगवा दे पाकिस्तान। जल्दी से फार्म भर दो, तुम करो भरोसा कौन पे, के तो नई लुगाई मिलेगी भैया लोन पे, अब के तो नई लुगाई मिलेगी भैया लोन पे। तो देखो बात गहराई की चल रही, कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, और बात हर बात को नहीं कहते, बात कोई बात की बात होती है। क्या मिला रावण को करके राम से तकरार में, हाँ हाँ क्या मिला रावण को करके राम से तकरार में, और करके बैर राम से व्याधा डाल दी परिवार में, सरासर सोना जड़ा था लंका की दीवार में, एक रती भी सोना ना मिला रावण को चलती बार में, बार में। अरे एक बात याद कर ले इंसान, हाँ हाथी के दांतन से खिलौने बने भात भात, अच्छा। और सिंह की खाल शंकर के मन भाई, मृग की खाल को बांधे जती और सती, बकरी की खाल से ढोलक मंडवाइए, गैड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, सावर की खाल को वीर मन भाइये, कहत हरि राम एक नेकी और बदी रह जाए, या मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। अरे इस पैसे के लालच में तो इतने घृणिष्ठ कार्य करता है
पंडित जी ने कह दे चार जल्लाद बुला ले, तो इन चार जल्लाद को बुला लिया। अच्छा। और राजा ने कह दिया आप जल्लादो रानी मंझा को बेल जंजीरों से बंद करके बनखंड में ले जाओ और रानी मंझा के शीश काट दो और रानी मंझा के खूनों से रानी मंझा की साड़ी को रंग लाओ और इसके नेत्र निकाल लाओ। जाओ मेरे सजनों, एक पतिव्रता रानी, एक देवी की भगत प्रबल, एक ऐसी मर्यादा के बद रहने वाली रानी का जब मारने का हुक्म दिया राजा ने, और क्या पसीना आ गया जल्लादों के। महाराज आप कहीं पागल तो ना हो गए? क्यों रानी मंझा को मरवा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं होगा? भांग फांग तो नहीं खा ले? हाँ हाँ। क्या बोले हैं? हरे कैसे हो रे कैसे मारेंगे रानी को भाई हो रे कैसे मारेंगे रानी को। हाँ। और नमक आपको खायो। क्या बात है महाराज, आपका नमक खाया है, आपके चरणों में पले हैं, आपके झूठे टुकड़े खाए हैं, ऐसा हुक्म ना दीजिए जो इस राजधानी की राजमाता की गर्दन पर हमारे हाथों से तलवार चलाई जाए। क्या बोले हैं जल्लाद सुनो? क्या कहने लगे? हे रे कैसे मारेंगे रानी को और नमक आपको खायो। सुन मंझा की बात रे लोगो, जल्लादन को दिल घबरायो। सिपाही लोगों चारों जल्लादों को तोप के मुंह पर रख करके उड़वा दो गोला से, या पत्थर के कोलों में फिरवा दो। एक जल्लाद बोलो चिंतामन से, चिंतामन जल्लादन में बड़ो ही बड़ो, जैसे हम में बड़ो ही बड़ो। तो देखिए जल्लादन में बड़े थे कौन,
चिंतावन। अच्छा चिंतावन से कहा एक जल्लाद ने, हमें काहे को मरवावे, रानी मंझाई ले चल, सबके लिए जान प्यारी होती है। ए? बिल्कुल जाओ। आज जल्लाद हाथ में नंगी तलवार बेल जंजीर लेकर के मेरे सजनों पहुंच जाते हैं रानी मंझा के भवन के नीचे। ऊपर महल में एक बात बताऊं आपको। कौन सी? औरत जब गर्भवती होती है कई काम किया करती है। कौन से काम है? कई चूल्हे की माटी खावे। अच्छा। राख खावे, कछु करे, सोवे ज्यादा है, नींद ज्यादा आए। 7 महीने का गर्भ था रानी मंझा के, और गहरी नींद गर्भ से आ रही महलन सो रही मंझा रानी। जल्लाद महल के नीचे खड़े हो गए, रानी मंझा को आवाज लगाने लगे। क्या आवाज लगा रहे हैं? कैसे आवाज लगाई? क्या कहने लगे? खड़ी हो जा महल से दूर। क्या बात है? वचन से सुना खड़ी हो जा महल से दूर, वचन से वचन ऐसे सुनायो है। देश किस्मत से ना जाती, देश किस्मत से ना जाती, वक्त आखिरी आयो। कही हमने जल्लाद क्या बोले हैं बेटे? क्या बोले? कही हमने नृपत समझो, कही हमने नृपत समझो, हमारी एक न मानी। कही हमने नृपत समझो, हमारी एक ना मानी। और क्या? जल्लाद आवाज दे रहे हैं मंझा को। क्या आवाज दे रहे? कही हमने नृपत मानो, हमारी एक ना मानी। तुझे मारन को सुन नंदा, वचन राजा सुनायो। जल्लाद ने आवाज दी है ऐसे, लेकिन रानी मंजा गर्भ से
गर्भ के बोझ से बहुत सो रही थी, नींद आ रही। रानी मंझा को चेतना भयो और जल्लाद ने खड़े होकर के फरिया का आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? ऐसे कौन सी आवाज लगाई? सुनो भैया बताइए, बहुत रही महल की आवाज महल में खटकी। हाँ हाँ। और सोते हुई रानी मंझा के कानों में वह आवाज खटकी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथी धर के बैठी है गई छात्र के फने। देखिए आदर के योग हमारी ढोला फिल्म देखने वाले दोस्तों, बहनों और भाइयों, आशीर्वाद देने के योग बुजुर्गों, पतिव्रता धर्म के आंचल में पलने वाली मात्र शक्ति माता बहने, आज अब बात उस जगह पर आती है एक पतिव्रता रानी को कैसे वनवास मिलता है। आहा। चार जल्लादों ने जाकर के रानी मंझा के महल के नीचे वो आवाज लगाई और जल्लादों की आवाज रानी मंझा के महल में खटकी। अच्छा, रानी मंझा उस आवाज को सुनकर के खड़ी हो जाती है और क्या, और खड़ी होकर के महल की रोश पे आ जाती है छज्जे पर। अच्छा जी, नीचे को देखा, चार जल्लाद बेल जंजीर लेकर के खड़े थे और जल्लादों की आवाज को जब सुना तो वो सौ रानी जिन्होंने पंडित जी को सोने की धन थैली मोहरन की देकर के बहकाया था, ठीक बात, उन्होंने आवाज को सुना तो सारी झरोके में से देखने लगी हैं और सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? कि पंडित जी ने अपनो काम पूरा कर दियो, कर दे। रानी मंझा ने देखा यार जल्लाद मुझे आवाज क्यों लगा रहे हैं, लेकिन बेपते थी, बेखबर थी। हाँ, उसको क्या पता था? रानी मंझा बड़ी समझदार थी। रानी मंझा ने सोचा चलो कहा, मुझे तो मालूम नहीं है पर मेरी सौ बहनन को पता होगा, सौ बहनन से पूछ लो। अच्छा,
आज रानी अपने महल से उतर करके 100 महलों के महल में चली जाती है सजनों, और बड़ी नम्रता के साथ में, बड़े नर्म वचनों के साथ में कहने लगी, बहनों क्या कहने लगी? आज ये जल्लाद मुझे आवाज क्यों लगा रहे हैं? मेरे चौक में क्यों खड़े हैं? इनके हाथ में नंगी तलवार और बेल जंजीर क्यों है? तो मेरे सजनों, 100 रानियों ने रानी मलझा को उल्टो दोष लगायो। कैसे लगायो? अच्छो आज तो पतो ना ये जल्लाद क्यों आवाज लगा रहे हैं कि बहना मुझे तो पतो ना है। सोरानी बोली, वह दिन की बात याद कर। कौन से दिन की? जब राजा ने 100-100 यज्ञ करे। हाँ। राजा और हम तो यज्ञ पे बैठते थे, और तू हाथ में थाल लेकर के, पूजा की सामग्री लेकर के, वह डाढ़ी वाले बाबा जी की पूजा कर किया करते थे। सूदी जाई हो। सजनों, गुरु गोरखनाथ का दोष लगाया उल्टा, ऐसी महापतिव्रता रानी के ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है। और क्या बोली है? क्या बोली? अरे दाढ़ी वाले ते अरे दाढ़ी वाले ते मिला लियो तेने मेल, और बहनी जाको गर्भ पेट में तेरे रहेगा। कौन सा? जाके पूजा करी। अच्छा। गुरु गोरखनाथ का आरोप लगाया। ठीक बात। मेरे सजनों, रानियों की इस बात को सुनकर के रानी मंझा को ब्रह्म ज्ञान हो गया कि जाओ, जब ही मेरे गर्भ दाढ़ी वाले बाबा जी को है तो मेरी नैया पार दाढ़ी वालों बाबा जी करे। ठीक। ये राजा मेरा कुछ ना लगे, ये प्रजा मेरी कुछ ना लगे, ये देश मेरा कुछ नहीं लगे, या तो भगवान है या मेरा धर्म है या मैं हूं। अच्छा, सोरानी ने कह दिया तो राजा को पता चल गया, तेरी बात को राजा ने तुझे मारने के लिए जल्लाद भेजे। नीचे आ गई रानी मन जहां जल्लाद खड़े थे। ठीक बात। और क्या बोली है? क्या बोली? सुनियो भैया मेरे, सुनियो बीरन मेरे, ये तो आफत मो पैदा के परी। भैया जल्लादो,
ईश्वर की भेजी हुई आफत को, अरे इंसान की अजमो हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अजमो हिम्मत से जब दूर किनारा होता है और तूफान की टूटी नैया को भगवान सहारा होता है, जल्ला दो या तो भगवान है मेरा या दाढ़ी वालों है, अगर मैं दोषी हूं तो भगवान जरूर मुझे दंड देगा, बांधो मुझे बेल जंजीरों से, ले चलो संति बन के अंदर, काट दो मेरा शीश और रंग लो मेरे शीश के खूनों से मेरी साड़ी को, जल्लाद नीच गर्दन करके खड़े हैं और क्या बोले हैं भैया, क्या बोले, अरे मैया हम तो तेरी गारा खड़े जल्लाद रो रहे और कह रहे हैं क्या, अरे रोए रहे ठाड़े ठाड़े रे, अरे रोए रहे ठाड़े ठाड़े, अखियन सौ बरस रही जल की धार, अरे रोए रहे ठाड़े ठाड़े रे, अखियन सौ बरस रही जल की, सुन मंझा मैया कैसे ले जाएंगे कैसे तेग चलाएंगे भैया, छाती के किनारे कैसे तो मारे आए समझ में आवे, चला तो देख घबरावे मैया को बचन सुनावे, कैसे मारी जावे हरी रंग के अलावरे वारो, बज रहे नंदा को नकारो डालू बेटा ढोलक वारो, अरे बोले तारे तारे ले ले के लवाजा रानी बह रहे है पानी, मत देर लगाओ मेरे हाथ बधाओ भैया, ले जइयो बन में मत सोचो मन में नदियन सो पानी खाड़ी मंझा रानी, अरे भैया ओ भैया देर करो मत गर्दन पे चलियो भैया, तेरे करो मत गर्दन पे चलियो तारे मां, हे भैया तेरे करो
जल्लादों को समझा दिया बेटा। क्या बोली? ये कर्म का फल है। कैसे? कहा है सुने हूं भरत भावई प्रबल बिलख कहे मुनि नाथ हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विध हाथ। ये विधाता के हाथ की बात है। जला दो तुम्हारा और मेरे हाथ की बात नहीं। बांधो मेरे शरीर को बेल जंजीरों से, ले चलो संती वन में। अरे तुम उस राजा के नौकर हो और मैं उस राजा की रानी हूं। मेरे वो पति हैं और पति की आज्ञा में चलना ये पतिव्रता औरतों का धर्म है और प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञाओं के अनुसार चलना। इसलिए तुम्हारे भी धर्म का पालन होगा और मेरे भी धर्म का पालन होगा। इसलिए बांधो आंख मीच के, पेश ना जाएगी तकदीरन से और बांध दे रानी जंजीरन से। जंजीरों से रानी मंझा को बांध दिया। ठीक बात। और जब जल्लाद लेकर के चले, ऊपर से सौ रानी क्या बोली है बेटी? क्या बोली? कह रही है क्या? कह रही ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमने भोगो दियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमते धोखा दियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमते धोखा दियो। हमते धोखा कियो तेने हमसे धोखा दियो। हमसे धोखा कियो सौत तेने हमसे धोखा दियो। ले लाल ले बेटा ले कुमर खिलाए ले गोदी में तेने हमसे धोखा दियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमसे धोखा दियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमसे धोखा दियो। थाड़ी सुन रही मंझा रानी ऊपर से बोली है बानी। थाड़ी सुन रही मंझा रानी ऊपर से बोली नो बानी। थाड़ी सुन रही मंझा रानी ऊपर से बोली नो बानी। अरे रा 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 तू कौन सावर को खाएगी तेने हमसे धोखा कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमसे धोखा कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेने हमसे धोखा कियो। हमसे धोखा कियो सोच तेने हमसे धोखा कियो। सौ रानी ने बड़ा ऊपर से उल्हानो दियो ले लाल खिलाए ले गोदी में तने हमसे धोखा कियो। और मेरे सज्जनों लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं और पूरे तो पूरे होते हैं, समझदार तो समझदार होते हैं। वो कैसे? अरे एक आदमी कीचड़ में पत्थर मार रहा हो और दूसरा आदमी भी कीचड़ में पत्थर मारने लग जाए तो फैसला कर लो समझदार कौन सा है। भाई कोई सा भी ना है। कोई सा भी नहीं। दोनों। और एक आदमी कीचड़ में पत्थर मार रहा हो और दूसरा आदमी पीछे हट जाए तो समझदार कौन सा है? कीचड़ में पत्थर फेंके बात। बड़ा बुद्धिमान दिख रहा है। कीचड़ में पत्थर मारने वाला समझदार है। हाँ। समझदार वो होता है जो कीचड़ से दूर हट जाता है। अच्छा, इसलिए बुराई से दूर हटने वाला सदा समझदार होता है। ठीक। रानी मंझा ने उनकी बातों पे गौर नहीं किया। आज जल्लादों ने बेल जंजीरों से बांध दिया। जब जल्लाद लेकर के चले तो फिर क्या हुआ? वो सौ रानी क्या बोली? क्या कहने लगी? अरे मंझा बहन, बदन पे तेग चलावेंगे जाते ही में अतर मलई माए गीदड़ खामेंगे। ओ रानी मंझा, जिस शरीर में तू अतर का तेल मलती थी इस शरीर के ये जल्लाद टुकड़े टुकड़े कर दे। इस शरीर के टुकड़ों को बनके गीदर खा जाएंगे। एक काम कर रानी मंझा। क्या? चली बेशक बने तू जइयो। अरे चली बेशक बने तू जइयो। जेवर को कहा करे बहन आए हम तू चली बे सकपन पूछियो रे चली बे।
सोरानी की ये बात सुनी, सारा जेवर उतार के रानी मंझा ने धर दियो। अच्छा तो बहना, ये सोने का जेवर ये तुम्हारा है। ठीक बात, लेकिन चार चीज नहीं दी नंदलाल। वो क्या ही चार? चार चीज कौन सी थी जो नहीं दी? कौन सी है? कौन सी चीज? ना दऊं मैं तो चूं रिन्ने, ना दऊं चूड़ी नहीं दी। अच्छा, और चूड़ी चुटकी और मंगल सूत्र। ठीक बात, और गले को हार, चार चीज नहीं दी। क्यों? क्यों? इनको विधवा नार उतारे जो पते अपने पे डारे, सारा जेवर उतार के दे दिया। फिर क्या भाई? और जल्लादन से कह दे ले चलो। कैसे चले? कैसे चले? जब जल्लाद लेकर के रानी मंझा को चलन लगे, राजा का दरबार लगा हुआ है। दरबार के सामने होकर के मंजा बोली, भैया राजा के सामने होके ले चलो। हाँ, राजा वो बगदा ले गो। लेकिन जब रानी मंझा को राजा के सामने होकर के लेके चले, रानी मंझा ने एक बात कह दी। बंदा क्या कही? क्या कह दिया राजा से? हाँ बताइयो। अरे रानी गई है चौक में रो, कौन खोट बन गयो ले बैठा, जाके देश निकालो दिया। मोहनाए दे घूमोए सीधा हलको, मोह पहले हुए दुपट्टा भैया। मेरे दोस्तों, सोनाटक कैसेट में मेरा ढोला फिल्म देखने वाले भाई बहनों, आपसे गुजारिश की जाती है, ये हमने आपको सुनाया है दो कैस्ट में, दो वॉल्यूम में, रानी मंझा का वनवास। अगली कथा दो वॉल्यूम में, दो कैस्ट में, राजा नल का जन्म और राजा नल का दसोटन हम आपको पेश करेंगे। और देखिए कथा भी आगे बढ़ रही है। कैसे? कैसे? रानी आढ़वते बतरावे, राजा मोह देखन नाए चाहवे, दुनिया गैया सी डकरावे, भयोए बाबरो प्रथम राजा, ऐसी रानी ये मरवावे, ऐसी रानी ये मरवावे, ऐसी रानी ये मरवावे, ऐसी रानी ये मरवावे। राजा ने मोह पे दुपट्टा डाल लिया। अच्छा, मोह नहीं देखूंगा ऐसी डाहन को, जला दो, ले जाओ। जल्लाद लेकर के चले गांव से बाहर आ गए, नरवरगढ़ से बाहर आ गए। जब रानी मंझा बोली, क्या बोली? भाई जल्लादो, आज तक मैं नरवर की पटरानी होकर के रही, भाई मेरी बेल जंजीर ढीली कर दो, मैं नरवरगढ़ को शीश झुका लो, बेल जंजीर खोल दई, घाट उतर के बैठ गई रानी। और क्या बोली है? क्या बोली? हे नरवर खेरे, मैं बेशक मर जाऊं वन में, लेकिन जब मरूं कब, चाहे मेरे फट जाए साल दुसाला, पर मेरे पैदा है जाए लाला, नरवर खेरे तेरो बचन फले, अरे बन में तो बेशक मर जाऊं, पर जब मरूं जब छोरा है जाए, जाते मेरे पति को नाम जाए।
रानी मंझा को जल्लाद लेकर के चल दिए। अच्छा। और जब शहर से बाहर चले जल्लाद मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन रानी मंझा के सौंड मन रहे। कैसे मन रहे हैं? ऐसे बताइयो। रो मत जाए रही है मंझा मैया, आगे बछड़ा है प्याय रही है गैया। एक गाय बछड़ा को दूध पिला रही। रो मत जाए रही है मंझा नारी, किले ऊपर बोली मल्हारी। और क्या? जब आगे को कदम बढ़ायो, बर्तन भरो दूध को पायो। रो मत जाए रही मंझा रानी, अरे दो पैर लाए रही पानी। जाको सोन बनोए बड़ो अच्छा, मूड पैक जिए घर पेट में बच्चा। डबल सोन अच्छा। जल्लाद बोले हाँ। सारे हो मारने को ले जा रहे हो या के सोन मन रहे, तुम्हारे बाप पे भी ना मरे, पर ले चलो। कैसे ले जा रहे भैया? कैसे ले जा रहे? कैसे ले जा रहे? देख सुनिए बताइयो। अरे खेच जा रहे धन मंझाए, पर गए कुटम में फाटे, और जिन पामन में लगे महावरे उनमें लग रहे कांटे। महावर का रंग लगा के सुहाग की निशानी बनाती थी, आज जो पलंग से पैर नीचे नहीं रखे, आज उन पैरों में कांटे लग रहे हैं और जल्लाद खेचे जा रहे हैं। कैसे जा रहे? नर नारी जकराए रहे हैं। क्या भयो फिर? ऐसे बताइयो। हो जा रही है मंझा आज बनी कु, बीत गयो ऐसे कारो, डर के ध्यान सुनो मेरे भैया, दे दियो देश निकारो, मन है मरवाए रहो ये हरी राम कहे अलावड़े। रानी मेरी आए गई काल निशानी, बैरन है गई दौर जिठानी, न पीवे समय पे पानी, कुटम कबीला बैरी है गो छूटे साल दो साले, और जिन पामन में पहरे मोचरी उनमें पल्ले छाले। बैयर बानी हरी राम कह सोना टैक में राजा क्यों अज्ञानी। वन पक्षी रोए रहे हैं, अपने नैनन ने खोए रहे हैं, करम गत नाए टरेगी तारी, बन को जा रही है मंझा बिचारी, अब कोई ना है विपत में संगी, है रही धन मंझाते तंगी। मंझा रानी वन में जा रही है
बेसन कारो। अच्छा ये रानी मंझा को बेसन कारो सुना दियो दो कैसे तुम्हें अब ले गए करम लपेटा अगले ढोला में मंझा के होए बनी ने सीता कछु नाय सोचे जो मन में और जा रही है संती मन में बैरन है गई दौरा जिठानी कोई किस्मत पड़ी गई खोटी खाई कई कई दिन की रोटी बनिए देख के मंजा रोई कभी धरती में नए सोई कभी धरती में नहीं सोई। अरे पर बड़े आदमी कहते आए हैं क्या कहते आए हैं क्या कहते आए हैं बताइए। अरे पन को देख नार मन जाके मेनन बरसे नीर रे करता रे हमारे कैसी लिखी है ताकती बताए रहे बड़े बड़े ज्ञानी जो पंडित या को वेद बताए रहे राजा को बख्त या खीरी आएगा राजा ये समझाए रहे एक सुने ना राजा लोगो बदल गई तकदीर रे करता हमारे कैसी कोई ना सोचे मन में हरि राम गुजर जो कहता करबल की सतबीर रह सकते हमारे देखेंगे राजा नल का जन्म और राजा नल का दस्तों उससे अगला ढोला आप सुनेंगे गजमोतनी का विवाह और देखिए मंझा बन को चली जाती है ये वनवास रानी मंझा का वनवास यहाँ पूरा हो जाता है नरवरगढ़ से निकल करके बन में जल्लाद लगे कैसे हरे दुनिया ताहने दे रही लोगों बदल गई सब तमीर रे करता रहा है